कीना रखने वाले की कोई इबादत कबूल नहीं है, बल्कि हदीस से पाक में आता है कि उसके सर के ऊपर भी उसका सजदा नहीं जाता, उसके सर के ऊपर भी उसकी दुआएं नहीं जाती। किसी के लिए अपने दिल में कीना मत रखो, कीना निकालो दिलों से, ताकि अल्लाह ताला दुआएं कबूल करे, ताकि अल्लाह इबादतें कबूल करे। इसीलिए जल्दी से जो लोग कहते हैं ना कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, सबसे बड़ी रुकावट दुआ की कबूलियत में कीना है। और मैं समझता हूँ कि शायद ही कुछ लोग हैं जिसके दिल में कीना ना हो, बल्कि अब तो लोग कीना रखने को, बुग्ज रखने को गुनाह समझते भी नहीं। जिना से बड़ा गुनाह कीना है, कीना जिना से बड़ा, कीना चोरी से बड़ा, कीना सारे जराइम से बड़ा। आप देखो, जानी बख्शा जा रहा है आज की रात, चोर बख्शा जा रहा है आज की रात, और कीना रखने वाला बख्शा नहीं जा रहा है। और मैंने देखा है कि दाढ़ियां बड़ी बड़ी है, पंज वक्ता नमाजी है, हाजी है, उम्रा करने वाले हैं, लेकिन दिलों में कीना है। अब दिलों का कीना कैसे पता चलता है? आसान बात, किसी की नेमत देखें, फौरन उसके खिलाफ कमेंट करें, कीना है। किसी को अच्छे दिन में देखें, फौरन उससे उसके बारे में बुरी बातें कहने लगे, कीना है। बल्कि चार दोस्त रहते हैं, एक उठ करके चला जाता है तो तीन मिल करके उसकी बुराई करते हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए दिल में कीना है। कीना मत रखो दिल में, इससे कोई इबादत, बल्कि जो दिल में कीना रखते हैं, मरते वक्त उनकी जबान पे कलमा भी जारी नहीं होता। इसलिए आज की इस मुबारक रात का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि अपने दिलों से कीना निकालिए और कोशिश कीजिए कि हमारा दिल हर मुसलमान के लिए पाक और साफ रहे। ये दिल जब पाक और साफ रहेगा, देखो दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो गुनहगार ना हो। गुना रुकावट नहीं बनते दुआ की कबूलियत में, दुआ की कबूलियत में जो चीज़ रुकावट बनती है वो कीना बनती। या तो पेट का हराम लुकमा दुआ में रुकावट बनता है कबूलियत में, या तो दिल का कीना रुकावट बनता है कबूलियत में। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने दिलों से कीना निकालें। आज की रात बहुत मुबारक रात है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जैसे ही 14 तारीख का सूरज गुरूब होता है और 15वीं की शाम आती है, तो सरे शाम से अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों से निदा फरमाता है, ऐलान फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम में कौन है जो मुझसे मगफिरत तलब करे ताकि मैं उसको बख्श दूँ, तुम में कौन है जो मुझसे रोज़ी मांगे ताकि मैं उसको रोज़ी अता करूँ, तुम में कौन है जो मुझसे औलाद मांगे ताकि मैं उसको औलाद अता करूँ, आज मांगो मुझसे जो मांगना है। बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि अल्लाह ताला ये तो हर रात कहता है, लेकिन फ़र्क शबे बारात में और हर रात में फ़र्क क्या है? शबे बारात में और हर रात में फ़र्क क्या है? लोग कहते हैं कि ये तो अल्लाह हर रात कहता है। अल्लाह हर रात कहता है, मगर हर रात वो रात के आखिरी हिस्से में कहता है। और शबे बारात की खसूसियत यह है कि शबे बारात में अल्लाह तबारक व ताला मगरिब ही से, जैसे ही सूरज गुरूब होता है, वैसे ही अल्लाह का ऐलान होता है, जो मांगना है मांगो, मैं तुम्हें अता करूंगा। और अल्लाह ताला पहले आसमान पे तजल्ली करता है, जैसा कि उसकी शान है, यानी अवाम की जबान में अल्लाह तबारक व ताला पहले आसमान पर नुजूल इजलाल फरमाता है, पहले आसमान पर जलवागर होता है अपनी शान के लायक, आसमान दुनिया पर जलवागर होता है अपनी शान के लायक, उसके अनवार तजल्लियात की खसूसी तवज्जो होती है आसमान दुनिया पर। और अल्लाह ताला अपने बंदों से कहता है, आज तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें अता करूँगा। लेकिन मांगने वालों को चाहिए कि वो यकीन से मांगे। और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम अल्लाह की बारगाह में मांगने के लिए आए हैं। इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा, लेकिन यकीन से मांगिएगा, पूरे वसूख से मांगिएगा, अल्लाह ताला की तरफ पूरी तवज्जो और लौ लगा करके मांगिएगा, अल्लाह ज़रूर अता फरमाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लेकिन आज हम सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में रुजू करेंगे, तौबा करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि भाई अल्लाह तो करीम है, अल्लाह तो रहीम है, हम कुछ भी करें वह हमें माफ़ कर देगा। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, बेशक अल्लाह करीम भी है, रहीम भी है,
70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से वो प्यार भी करता है। दूसरी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, मगर अल्लाह तबारक व ताला गैरत वाला भी है, और उसकी गैरत का आलम यह है कि अगर मासूम जिसको उसने अपने हाथों से बनाया और उस मासूम जात को फरिश्तों से सजदा करवाया और अपना खलीफा बनाया, अगर उनसे एक लग्जिश पैगंबराना होती है तो अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गैरत की वजह से जन्नत से निकाल देता है। और आदम अलैहिस्सलाम 200 साल तक रोते रहते हैं, अल्लाह ताला कोई जवाब नहीं देता। तो क्या इससे हमें इबरत नहीं मिलती कि जो उसके महबूब और मकबूल बंदे हैं, अगर वो एक लग्जिश पैगंबराना करे, एक ख़ता इश्तिहादी करे, उनसे हो जाए वो भी किसी हिकमत के तहत, तो 200 साल तक वो रोते हैं फिर भी उनको कोई जवाब नहीं मिलता, तो हम जैसे पापी गुनहगार सियाकार हमारा क्या हाल होगा? हम अल्लाह की बारगाह में क्यों गिड़गिड़ाते नहीं? देखो अल्लाह ताला तो बहुत गैरत वाला है, लेकिन उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत से अल्लाह की गैरत का अंदाज़ा लगाओ। हम सोचते हैं हुजूर हमसे हमेशा राज़ी रहेंगे, अल्लाह हमसे हमेशा राज़ी रहेगा, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम तो हम जैसे लोगों की कोई औकात और हैसियत ही नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम तो छोटी छोटी लग्जिशों पर सहाबा से भी नाराज़ हो जाते थे, सहाबा से भी नाराज़ हो जाते। अगर हुजूर हमसे नाराज़ हो जाएं तो क्या होगा? हमने तो कितने गुनाह किए हैं, हुजूर कैसे छोटी छोटी लग्जिशों पे नाराज़ होते हैं, ज़रा देखें। एक सहाबी हैं, पहली बात तो ये याद रखना चाहिए कि सहाबी उस हस्ती को कहते हैं कि अंबिया के बाद सबसे बड़ा मर्तबा अगर रूए ज़मीन पर किसका है तो वो सहाबा का है। कोई वली, कोई कुतुब, कोई गौस, कोई अब्दाल किसी सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता, ये सहाबी का मर्तबा है। लेकिन उनसे छोटी छोटी लग्जिशें हुई, हुजूर नाराज हो गए, और कैसे नाराज हुए, मुंह फेर लिया करते थे। रिवायत में आता है एक सहाबी सोने की अंगूठी पहन कर आए, सोने की अंगूठी पहन कर आए और हुजूर अलैहिस्सलाम को सलाम किया, आका अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब नहीं दिया बल्कि मुंह फेर लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर लिया। जितने मेरे भाई सुन रहे हैं, मेरी बहनें अगर अपने घरों में बैठकर सुन रही है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मर्तबा क्या है सहाबी, लग्जिश क्या है, सोने की अंगूठी, सलाम कर रहे हैं जवाब नहीं, मुंह फेर लिया। दूसरी तरफ से आए, शायद हुजूर ने पहचाना नहीं, सलाम किया, उधर से मुंह फेर लिया, अल्लाह अकबर। वो सहाबी बेचैन हो गए। मेरे और आपकी तरह वो लोग जबानी दावेदार नहीं थे इश्क रसूल के, वो सच्चे आशिक थे, बेचैन हो गए। हुजूर जान नूर, गरीब परवर, बंदा नवाज, आका क्यों नाराज हैं, नाराजगी की वजह क्या है? आका ने फरमाया, मैं तेरे हाथों में जहन्नमियों का जेवर देख रहा, मैं तेरे हाथों में जहन्नमियों का जेवर देख रहा हूं, बस इतना कहना था। उन्होंने सोने की अंगूठी उतारी और फेंक दिया। फिर अल्लाह के रसूल तशरीफ ले गए तो किसी ने कहा, सोना तो मर्दों पे हराम है, औरतों के लिए तो जायज है, सोना उठाओ और सोना उठा करके इसको बेचकर अपनी बीवी का जेवर बना दो। उन्होंने फरमाया, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस चीज को मैंने महबूब की खुशी के लिए फेंक दिया है, अब मैं उसको कभी नहीं उठा सकता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने लेकिन चेहरा फेरा। दूसरी हदीस सुने, बात समेटता हूं, दूसरी हदीस पाक सुने। वो तो सहाबी थे, उन सहाबी का नाम हदीस की किताबों में मुझे नहीं मिला, उनका नाम मुझे नहीं मिल सका, हो सकता है किसी के इल्म में हो उनका नाम। लेकिन उनसे बड़ी हस्ती, उनसे बड़ी हस्ती इसलिए कह रहा हूं कि यकीनी तौर पर वो सहाबी न सिद्दीक अकबर थे, न फारूक आजम थे, न उस्मान गनी थे, न मौला अली थे, इन चारों में से
कोई नहीं था। जाहिर सी बात है जो भी रहे होंगे वो आम सहाबा में रहे होंगे, लेकिन अब उनसे बड़ी हस्ती, जरा दिल के कानों से सुनना बहुत गौर से, उनसे बड़ी हस्ती पूरी कायनात में हुजूर अलैहिस्सलाम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, पूरी कायनात में अल्लाह के बंदों में सबसे ज्यादा हुजूर को जिससे प्यार है वो जात है हुजूर की शहजादी सैयदाए कायनात मलके फिरदो से बरी तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया रकिया उम्मे अबीहा आलिमा गैरे मुअल्लिमा सैयदा फातिमतु जहरा फातिमा बिनत मुहम्मद रूही फिदा व अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलाम उनसे इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत कि उनके बगैर हुजूर नहीं रहते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम उनके बगैर नहीं रहते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम का घर और उनका घर सिर्फ एक दीवार का फासला था, और अभी भी हुजूर अलैहिस्सलाम जिस हुजरे में आराम कर रहे हैं उससे लगा हुआ सैयदा का हुजरा है। ये शान की, ऐसी शान की खातून है कि ऐसी शान की औरत कायनात की निगाहों ने नहीं देखी, जिसके बाबा सैयदुल अंबिया, जिसके शौहर ताजदार हल अता खातिमुल विलायत फातह खैबर बाबे मदीनतुल इल्म मौलाए कायनात सैयदना अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम, जिसके बेटे इमाम हसन इमाम हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, न किसी के बेटे ऐसे न किसी का बाप ऐसा, और शौहर शान वाला और खुद इतनी शान वाली। हुजूर कितना प्यार करते, जब वो आती हैं तो हुजूर उनके लिए उठ के खड़े हो जाते हैं, उनको अपनी जगह पे बिठाते हैं, उनके हाथ चूमते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम उनके हाथ चूमते थे और उनको अपनी जगह पे बिठा के कहते हैं फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। इतनी मोहब्बत करते थे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जब सफर पर जाते थे तो सबसे आखिरी में सैयदा फातिमा से मिलते थे, और जब सफर से आते थे तो सबसे पहले सैयदा फातिमा से मिलते थे। एक दीवार का फासला था हुजूर के हुजरे और उनके घर के दरमियान। बार बार जाते थे आका, और जब कभी जा नहीं सकते थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने दीवार में एक खिड़की बना दी थी कि जब जब फातिमतुल जहरा की याद आती खिड़की से पर्दा हटाकर आवाज देते फातिमा मेरी आंखों की ठंडक, कुर्रतुल आयन कहते मेरी आंखों की ठंडक, हुजूर की आंखों की ठंडक। फिर सैयदा का चेहरा देख लेते और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जो है वो करार आ जाता, चैन आ जाता। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने सैयदा को जान अहमद की राहत करार दिया। जो रसूल हर बेचैन दिल का चैन है, हर दिल की राहत है मेरे रसूल, उस रसूल के दिल की राहत का नाम सैयदा फातिमतु जहरा है। इतनी मोहब्बत करते हैं कि कहते हैं फातिमतु बुदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इतनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन अब इस तमहीद के बाद जरा आओ, नाजुक है बड़ी गैरत सुल्तान मदीना। हुजूर की गैरत का अंदाजा करो, महसूस करो। एक दिन मेरे आका हर दिन के मामूल की तरह सैयदा फातिमतु जहरा के घर तशरीफ लाए। क्या देखा कि रेशम के पर्दे जिस पर तस्वीरें बनी हुई है वो सैयदा फातिमतु जहरा की दीवारों पर लटके हुए हैं। सैयदा फातिमा की दीवारों पर पर्दे रेशम के लटके हुए हैं। इस्लाम में दरवाजे पे पर्दा लगा सकते हैं, खिड़कियों पे पर्दा लगा सकते हैं, लेकिन दीवारों पे पर्दे नहीं लगा सकते। सैयदा फातिमा ने अपने बाबा जान की आमद की बुनियाद पर हो सकता है शायद अपने घर की दीवार पे पर्दा लगाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने घर की दीवारों पे पर्दा देखा और चेहरा फेर लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर लिया। इसी तरह की मिलती जुलती रिवायत अम्मा आयशा के लिए भी आई है। हुजूर ने चेहरा फेर लिया और चेहरा फेर कर हुजूर अंदर घर में नहीं गए, बाहर तशरीफ ले गए। हुजूर चले गए, आका तशरीफ ले गए। सैयदा को खबर हुई हुजूर क्यों मुंह फेर कर गए। जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उससे हुजूर ने मुंह फेरा। वजह क्या? सिर्फ दीवार पे पर्दे लगे हैं,
दीवार पे पर्दे हुजूर ने मुंह फेर लिया। गैरत है नाजुक है बड़ी गैरत सुल्तान मदीना। सैयदा को खबर हुई दीवार के पर्दे खींच लिए टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए जिससे मेरे बाबा नाराज हो जाएं वो पर्दे नहीं रहेंगे। फिर आका ने फरमाया मेरी शहजादी मेरी बेटी हम दीवारों को कपड़े नहीं पहनाते और दीवारों को कपड़े पहनाना ये आले मोहम्मद की शान नहीं। आपसे पूछना चाहता हूँ अब जरा दिल के कानों से जहाँ मुझे आपको ले जाना था अब मैं ले जाना चाहता हूँ सब बिल्कुल हमातन गोश हो जाएं। सैयदा का घर कितना आला है रश्के अर्श है रश्के जिना है सैयदाए कायनात का घर क्योंकि नबी अर्श पर कभी कभी है। सैयदा के घर में बार बार है जिन जन्नत जिसकी मुश्ताक है वो रसूल सैयदा के घर में बार बार आते जाते हैं। जन्नती जवानों के सरदार जिस घर में रहते हैं वो घर सैयदा का घर है। जन्नती औरतों की सरदार जिस घर में रहती है वो घर सैयदा का घर है। मौलाए कायनात वलियों के सरदार जिस घर में रहते हैं वो घर सैयदा का घर है। जिनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं वो घर सैयदा का घर है। लेकिन उस घर में अगर कपड़े का पर्दा दीवार पर लग जाता है तो हुजूर चेहरा फेर करके वापस चले जाते हैं। सिर्फ दीवार पे पर्दा लगने की बुनियाद पर हुजूर अलैहिस्सलाम जब चेहरा फेर कर वापस चले जाते हैं। नाजुक है बड़ी गैरत सुल्तान मदीना। अब तसव्वुर करो सबसे ज्यादा जिससे प्यार करें अगर वो दीवार पे पर्दा लगा दे तो हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले जाएं। क्या ख्याल है हम दाढ़ियां मुंडा रहे हैं हम नमाजों को तर्क कर रहे हैं हम सूद खा रहे हैं हराम कारोबार कर रहे हैं कोई जिना के अड्डे पे जा रहा है कोई शराब के अड्डे पे जा रहा है कोई भाइयों की हक तलफी कर रहा है कोई बहनों की हक तलफी कर रहा है। अब उसी को मरने के बाद उसकी कब्र में लिटा दिया गया उसको मरने के बाद उसकी कब्र में रख दिया गया। गुनाह करने वालों से मैं तवज्जो चाहता हूं फिल्में देखने वालों से तवज्जो चाहता हूं। हाँ हाँ ये वही गुंबद और मीनार का शहर है ना जहां की अल्लाह अकबर फिल्म की दास्तान पूरी दुनिया में गूंज रही है कि अल्लाह अकबर हमारे यहां फिल्मी टाकीजों के अंदर इतनी भीड़ होती है कि अगर पैरों से चलकर जाने के लिए रास्ता नहीं होता तो हमारे जवान लोगों के सर पे कदम रख करके फिल्मों के अंदर जाया करते हैं। यही वो गुंबद मीनार का शहर है ना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं ना अमल है ना नेकियां है ना तकवा है ना परहेजगारी है कुछ नहीं है। बोलो हमारा किस पर नाज है किस पर भरोसा है। एक ही जात है अल्लाह राजी होगा तो किसकी वजह से आमिना के लाल की वजह से। अल्लाह अगर हमें बख्श देगा तो किसकी वजह से आमिना के लाल की वजह से। अगर अल्लाह अल्लाह हमें जन्नत देगा तो किसकी वजह से आमिना के लाल की वजह से। सोचो दाढ़ियां मुंडाने वालों शराब पीने वालों हराम कारोबार करने वालों सूद के धंधे करने वालों कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुनने वालों गफलतों की जिंदगी गुजारने वालों मरने के बाद कब्र में डाल दिए गए बाप छोड़कर गया भाई छोड़कर गए रिश्तेदार छोड़कर गए सब मुंह फेर कर मनो मिट्टी डाल करके वापस चले गए। उस वक्त बंदे के लिए एक ही सहारा होता है अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होगी तो एक की वजह से वो ये कि मुस्तफा जाने रहमत कब्र में तशरीफ लाएंगे ना कोई आलिम आएगा ना कोई पीर ना कोई मौलवी कोई नहीं कुछ नहीं। आज के पीर की बात कर रहा हूं मेरी बात का गलत मतलब ना लीजिएगा कोई कब्र में नहीं आएगा। कब्र में आएंगे तो मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाएंगे। अब आप मुझे बताएं जो अपनी बेटी के घर में जो है वो पर्दा देखकर मुंह फेर कर वापस चले जाते हैं अगर उनकी नजर हमारे चेहरे पे पड़ी ये वही आंखें थी जो रात के अंदर मोबाइल पर गंदे मनाजिर देखती थी ये वही आंखें थी अल्लाह अकबर जो औरतों को पाप की नजर उठाती थी ये वही वजूद था जो मस्जिदों से कोसों दूर रहता था। हाँ हाँ ये वही लोग थे जिन्होंने मस्जिदों को वीरान कर दिया था जो फजर की नमाजों में सोते पड़े रहते थे। मुझे बताओ सैयदा इतनी प्यारी है इतनी नेक शहजादी है कि जिसके वजूद में रसूलुल्लाह का खून है अगर उनके घर में दीवार पे पर्दे देखकर इतनी छोटी सी बात देखकर हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले जाते हैं अगर अल्लाह ना करे हमारे जराइम को गुनाहों को
पाप को देखकर अल्लाह के रसूल चेहरा फेर कर वापस चले गए, हमारी कब्र से वापस चले गए। ना सुख है बड़ी गैरत सुल्तान मदीना, हुजूर अगर चेहरा फेर कर वापस गए तो याद रखना दुनिया के इम्तिहान में 1000 मर्तबा नाकाम हो जाओ तो फिर कामयाब होने का मौका मिल सकता है, लेकिन कब्र के इम्तिहान में 1 मर्तबा नाकाम हो गए, हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले गए, कोई नहीं बचा सकता, कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। बड़ी माजरत के साथ हिम्मत करके ये बात भी कह दूं, अगर हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले गए तो कुरान खानियां तुम्हारे नाम की भी तुम्हें बख्शवा न सकेगी, तुम्हारे नाम की मगफिरत की दुआएं भी तुम्हें बख्शवा न सकेगी, तुम्हारी अल्लाह अकबर ईसा अलैहि सलाम की महफिलें भी तुम्हें निजात न दिला सकेगी, क्योंकि निजात मौकूफ है मुस्तफा जान रहमत की रहमत पर। अल्लाह ने वादा कर दिया है हबीब तू जिसे चाहेगा, तू जिसे चाहेगा, चाहेगा के दो मतलब होते, चाहेगा के दो, एक ये चाहने का मतलब होता है जिससे तू राजी होगा उसी को जन्नत दूंगा, अमल पे जन्नत नहीं दूंगा तेरी रजा पे दूंगा। कुरान कहते हैं आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया अमल करके आएंगे मेहनत करके आएंगे फिर भी जहन्नम में डालूंगा ये कहकर, जुख इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, चख ये जहन्नम का अज़ाब, दुनिया में बड़ा इज्जतदार बनता था तूने बस मेरे महबूब को राजी नहीं किया, सब कुछ दिया किया हबीब को राजी नहीं किया। बोलिए आज हम क्या क्या कर रहे हैं, मुझे तो सैयदा फातिमा और सैयदा आयशा के घर की वो दास्तान देखकर हैरत होती है, नाजुक है बड़ी गैरत सुल्तान मदीना, कितनी नाजुक है, अगर बेटी के हाथ में सोने के जेवरात देखे तो फरमाया फातिमा ये तुम्हारी शान नहीं कि तुम इस तरह के जेवरात पहनो। अल्लाह अकबर, आप मुझे बताएं आज की रात, बस मैं यही कहने आया हूँ, तकरीर तो बार बार आप मैं आपके सामने करता रहता हूँ, आप सुनते भी रहते हैं, लेकिन यही कहने आया हूँ, बताओ कब्र का भी कुछ ख्याल है? आज के रात कब्रिस्तान इसलिए नहीं जाते कि मरहूमों पे फातिहा पढ़ें, कब्रिस्तान जाने का मकसद ही नहीं समझे, अरे मरहूम पर फातिहा तो घर बैठ के भी हो सकती है, बाप की कब्र सऊदी में यमन में मिस्र में घर बैठ फातिहा पढ़ वहां ईसाले सवाब पहुंचेगा, कब्रिस्तान जाने के लिए सुन्नत क्यों है? कब्र पर जा बैठ देख ये कब्रिस्तान है, कभी इस तरह भी देखो कब्रिस्तान को, शबे बरात में कब्रिस्तान क्यों जाते हैं? ताकि मौत याद आए, जाओ देखो, बड़े बड़े सियासी लीडर बेबसो बेकस पड़े हुए हैं, बड़े बड़े मालदार बेकसो बेबस पड़े हुए हैं, बड़े बड़े पहलवान बेकसो बेबस पड़े हुए हैं, बड़े बड़े इज्जतदार बेकसो बेबस पड़े हुए, जिनके आने पर तकबीरें बुलंद की जाती थी, जिनके आने पर तालियां बजती थी, जिनके आने पर मोहल्ले और स्टेज सजते थे, जाके देखो मिट्टी में सो रहे हैं, कोई उनकी कब्रों पर फातिहा पढ़ने वाला नहीं, कब्र पर बैठ के सोच जैसे वो बेबस पड़ा हुआ है, एक दिन मैं भी यहीं आऊंगा, मगफिरत न सब पर नहीं होगी कि तू कितने बड़े बाप का बेटा है, इस पर मगफिरत नहीं होगी, मगफिरत इस पर नहीं होगी कि तू कितना क्या करके आए, मगफिरत तो इस पे होगी कि हुजूर तुझसे खुश है या नाराज है, अगर वो चेहरा फेर ले कुछ नहीं होना है, और हम वही सारे काम कर रहे हैं, वही सारे काम कर रहे हैं जिससे हुजूर चेहरा फेर ले, पता नहीं आज की तारीख में हुजूर हमसे राजी है कि नाराज है, कोई सोने की अंगूठी पहन ले तो हुजूर मुंह फेर लेते हैं, हमने तो कोई ऐसा हराम काम छोड़ा ही नहीं जो हम ना करते हो, एक एक दिन में कई कई मर्तबा हराम काम करते, अगर हुजूर हमसे मुंह फेर रहे हो तो हमें पता ही नहीं, हमें खबर ही नहीं, ख्याल ही नहीं कब्र में क्या होगा, अंजाम क्या होगा। शबे बरात में आज तौबा कर लो, आज अपने अल्लाह को मना लो, आज अपने रसूल को मना लो, पिछले साल शबे बरात में तो हमें जमा होने का मौका भी नहीं मिला, और आज जमा होने का मौका मिल गया तो पता नहीं आइंदा साल हम जमा हो सकेंगे कि नहीं, पिछले साल मेरे कितने दोस्त थे, कितने दोस्त थे, आज वो नहीं है, बड़े बड़े हमारे उलमा चले गए, हमारे सूफिया चले गए,
हमारे बड़े बड़े लोग चले गए दुनिया से, मेरे आका ने फरमाया शबे बरात, लोग खेतियों में बाग लगाने का प्लान कर रहे होते हैं, लोग बच्चों की शादियां तय कर रहे होते हैं, लोग खुद की शादियां तय कर रहे होते, हालांकि अल्लाह उनकी मौत लिख रहा होता, अल्लाह के उनकी मौत के फैसले हो रहे होते। हो सकता है इस वक्त इस रात में अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, लेकिन हो सकता है हम में से कोई ऐसा होगा इस वक्त किसी की मौत लिखी जा रही हो। मौत तो लिखी जा चुकी है, लेकिन फरिश्तों को वो नाम दिए जाते हैं, लो इस साल इतने लोगों की तुम्हें रूह कब्ज करना है। हो सकता है उनमें हमारा भी नाम हो सकता है। मौत से मत डरो, हो सकता है, अल्लाह को राजी कर लो। ये रातें बार बार नहीं आती, ये दिन बार बार नहीं आते। बस अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए अर्ज़ करूँ, सच्चे दिल से तौबा करना। फिर कहता हूँ, तौबा इसका नाम नहीं कि गाल पीटो, तौबा इसका नाम नहीं कि कान खींचो, तौबा इसका नाम है कि गुनाह से निकलने का अपने अल्लाह से ऐसे वादा करो कि जैसे बकरी के दूध से थन निकल कर दोबारा बकरी के थन में नहीं जाता, इसी तरह से गुनाह से निकलो ऐसे दोबारा फिर गुनाह की तरफ न जाओ। आज अहद करो, आज हम नमाज पढ़ेंगे सलातो तस्बीह, लेकिन आज के बाद हमारी कोई नमाज नहीं छूटेगी, कोई नमाज तर्क नहीं होगी, हर गुनाह से बचेंगे, घरों में नमाज का माहौल बनाएंगे। एक रिवायत पढ़कर बात ख़त्म करता हूँ। देखो कैसे कैसे बंदों ने तौबा की, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल किया। बस इसी पर ताकि हमारे अंदर एक लालच पैदा हो, एक शौक पैदा हो, एक शौक पैदा हो, कैसे कैसे उन्हें तौबा की। एक बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह, जिसको जिना से भी बदतर कहा गया है, वो है सूद, सूद ब्याज। एक जवान था, पहले सूद का गुनाह सुन ले। फरमाया गया सूद का एक लुकमा खाना और माँ के साथ 36 मरतबा जिना करना, ये दोनों बराबर बराबर है। इतना बड़ा गुनाह है सूद का। अब सुनिए दिल के कानों से कैसे कैसे बंदे तौबा करें कामयाब होते हैं। एक जवान है, जवानी में पैसे कमाने की बड़ी लालच होती आदमी को, कुछ बन जाऊं, कुछ कमा लूं, अल्लाह करे कमाए, लेकिन हलाल से कमाओ, हराम से नहीं, खूब कमाओ। इस्लाम ने कमाने से मना नहीं किया, जमाने से भी मना नहीं किया, मगर हलाल। वो जवान, उसका नाम हबीब था, बसरा का रहने वाला वो जवान, खूबसूरत जवान, सूद का धंधा करता था और दुगना चौगना 10 गुना जितना चाहता, जितनी मजबूरी होती उससे उतना सूद वसूल करता। एक मर्तबा जिसके घर चला जाता वसूल करने, कुछ लिए बगैर टलता नहीं था। हबीब ने अपनी बीवी से कहा, मैं अपनी ज़बान में समझाने के लिए कहूँ, मैं ज़रा हफ्ता वसूल करके आता हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करो। जैसे ही वो हबीब जवान, बसरा का रहने वाला, हफ्ता वसूल करने के लिए सूद का अपने घर से निकला, छोटे छोटे बच्चे बसरा की ज़मीन पर खेल रहे थे। एक बच्चों ने कहा, हटो हटो, दूर हटो, हबीब सूद खोर आ रहा है, अगर उसके पैरों का गुबार हमें लग गया तो कहीं अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो जाए, हटो। हबीब ने ये जुमले सुने, उसके दिल पर तीर की तरह वो जुमले लगे, अरे बसरा का बच्चा मुझसे नफरत करता है, बसरा का बच्चा मुझसे अदावत करता है कि मेरे पैरों के गर्द से भी बचना चाहता है। लेकिन सूद खोरों के दिल और हराम खाने वालों के दिल इतने सख्त हो जाते हैं कि जल्दी से बातें असर नहीं करती, लेकिन कुदरत जिसे बुलाना चाहती है उसके लिए कोई ना कोई असबाब और सामान पैदा हो जाते हैं। बच्चों का कहना चुभ गया, लेकिन वो हबीब एक घर गया, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? बाहर से कहा, हबीब का देखो, तुम्हारी रकम अदा करने के लिए हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन गुर्बत की वजह से पैसे इकट्ठा नहीं हो सके, मेरे शौहर इंतज़ाम करने गए हैं, बाद में आ जाना या तुम्हारे घर हम पैसे ला के पहुँचा देंगे। इसने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं मैं जिसके दरवाजे पे जाता हूँ कभी खाली और वापस नहीं लौटता, अगर तुमने मुझे नहीं दिया इतना चिल्लाऊँगा कि मोहल्ले में बेइज्जत हो जाओगे, लोगों को पता चलेगा कि तुमने सूद से पैसे लिए हैं, तुम्हारी शराफत का पर्दा चाक चाक हो जाएगा। उस औरत ने कहा, देखो पैसे का इंतजाम होगा जब पैसे आ जाएंगे, लेकिन तुम खामोशी से चले जाओ। कहा, कुछ लेकर के तो जाऊंगा। कहा, देखो हमारे घर में कई दिन से फाका था, मेरे शौहर कर्ज के तौर पर बकरी के सर और पैर जो है
पाए बकरी के और सर लाए थे कि बच्चों को फाका कशी से अब निजात दिला दी जाएगी और बच्चों को खिला दिया जाएगा। अगर तुम चुपचाप चले जाओगे तो मैं ये उठाकर तुम्हें दे देती हूँ, ये ले जाओ, बाकी की रकम भी आ जाएगी। उसने कहा, हबीब ने, तेरे बच्चे खाएं या मरे इससे मुझे क्या लेना, मैं तो कुछ न कुछ लेकर ज़रूर जाऊँगा। फिर यही हुआ, बकरी के सर और पैर लेकर हबीब अपने जवान अपने घर को चला। जब घर पहुँचे, बीवी से कहा, पकाओ, देखो हम शान से खाएंगे। खाना पकने लगा, खुशबू हांडी से उठने लगी। एक मर्द दरवेश ने दस्तक दी, हबीब, तेरे घर की हांडी से कितनी खूबसूरत जय वो खुशबू आ रही है, अरे मुझे भी कुछ खिला। हबीब ने दरवाज़ा खोल के कहा, ओ फकीर, अगर मैंने तुझे हांडी से कुछ खिला दिया तू मालदार तो नहीं होगा, अलबत्ता मैं गरीब ज़रूर हो जाऊँगा, चल जा यहाँ से, मैं तुझे कुछ नहीं देता। जाते जाते फ़कीर ने कहा, हबीब, जुल्म की दास्तानें बहुत तवील नहीं होती, जुल्म का वक्त बहुत तवील नहीं होता, अल्लाह की अदालत में एक दिन खड़े रहना है और अपने जरायम के बारे में जवाब देना है। अयहसबुल इंसानु अन युतरक सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है बेहिसाब छूट जाएगा, नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह की पकड़ होगी। और अल्लाह की पकड़ कैसी है, इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। कहने वाला कहकर चला तो गया। हबीब ने जब दस्तरखान बिछाया, बीवी ने खुशबूदार हांडी लाके रखी, जैसे ही हांडी से ढक्कन हटाया गया तो सारी हांडी में पाए और सर की बजाय खून ही खून भर गया। एक बच्चों का कहना, दूसरा दरवेश का कहना, तीसरा हांडी का खून बन जाना, हबीब के दिल पर तीन चोटें जरबदार लगी। हबीब ने कहा, हबीब, अच्छे दिन नहीं, अब हालात खराब हैं, चलो अब बदलते हैं, चलो अब तब्दील होते हैं। मैं अपने जवानों से कहता हूँ, हर आदमी सोचता है कि चलो बदल जाएंगे, लेकिन फिर सोचता है, यार दुनिया गुनाहों का अड्डा है, दुनिया में गुनाह और रंगरेलियाँ हैं, हम कैसे बचेंगे। याद रखना, बचने का पक्का इरादा करना हम पर है और बचा लेना उसके करम पर है। एक मरतबा पक्का इरादा तो करो उसकी तरफ बढ़ने का। मेरा अल्लाह फरमाता है, जो मेरी तरफ चल कर आता है मेरी रहमत उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। अल्लाह अकबर। हबीब के दिल में ख्याल आया, बहुत जरायम हो गए, बहुत गुनाह हो गए, बहुत बुराइयां हो गई, अब अल्लाह की तरफ पलटते हैं, लेकिन पलटे जाएं कहां, तौबा करें जाएं कहां। सोचा, चलो चलते हैं, दिल बेचैन था, दिल बेकरार था, कहां जाएं कहां जाएं। दिल में ख्याल आया, अरे मेरे शहर में तो इतना बड़ा वली रहता है, मौला अली का खलीफा, मौला अली का शागिर्द, सहाबा का शागिर्द, जिसने उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का दूध पिया, उम्मुल मोमिनीन का दूध पिया, वो इतनी बड़ी हस्ती, सैयदना इमाम हसन बसरी मेरे शहर में रहते हैं, चलो हसन बसरी के पास जाएंगे और पूछेंगे कि तौबा कैसे करें, क्या करें, पूछेंगे, सवाल करेंगे। जैसे गए, हसन बसरी की महफिल सजी हुई थी, इमाम हसन बसरी की महफिल, लोग बैठे हुए थे। पहली मर्तबा नेकी की महफिल में हबीब वो जवान आया और आने के बाद खड़ा हो गया। इमाम हसन बसरी लोगों से कहते थे, लोगों तौबा करो, लोगों तौबा करो, अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, कोई 4000 साल तक गुनाह करे और फिर तौबा करे अल्लाह उसे भी माफ़ कर देगा। लोगों तौबा में जल्दी करो, कल पे मत डालो तौबा को, पल का भरोसा नहीं, कल पे मत डालो, तौबा करो, तौबा करो, अल्लाह से सुलह कर लो। इस तरह की बात इमाम हसन बसरी कहते कहते आप अपने रंग में गुफ्तगू करते हुए कहा, अरे तुम लोग इतने गुनेगार नहीं हो जितना हबीब सूदखोर गुनेगार है। अगर हबीब सूदखोर भी आज तौबा कर ले, अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। इतना सुनना था, वो जवान आगे आया, आंख में आंसू थे, मेरी मिसाल लोगों को दी जा रही है। उस जवान ने कहा, इमाम, आपने ये जुमला बहुत खूबसूरत कहा, जरा एक मर्तबा और कह दो। फिर मेरे इमाम हसन बसरी ने कहा, अरे लोगों, तुम इतने गुनेगार नहीं हो जितना हबीब गुनेगार है। अगर आज की तारीख में हबीब सूद खोर भी तौबा करे, अल्लाह उसको भी बख्श देगा। फिर वो जवान और करीब आके सामने खड़ा हो गया। हजरत, आपकी जुमले में बड़ी लज्जत है, एक बार ये जुमला और कह दे। फरमाया, लोगों, अगर आज हबीब भी तौबा करे ना, हबीब सूद खोर, अल्लाह उसको भी बख्श देगा। पैर पकड़ लिए, आप गवाह रहना, आज हबीब सूदखोर ने तौबा कर ली। इमाम हसन बसरी का, कौन है तू? कहा, मैं ही हबीब सूदखोर हूं, अब तौबा करा दो। आप कह रहे थे ना अल्लाह माफ करेगा, आपके कहने पर, वली के कहने पे मुझे यकीन है।
मैं तौबा करता हूँ। इमाम हसन बसरी ने तौबा कराया, मुरीद किया, मुरीद करने के बाद अब दिल को सुकून मिला। कहा बेटे ऐसे नहीं चलेगा, जिसका माल लिया लौटाना पड़ेगा, जिसका लिया है उसको वापस देना पड़ेगा। कहा हजरत आप गवाह रहें, जो पहचानता हूँ सबको दूंगा, और जिनको नहीं पहचानता हूँ सारा माल अल्लाह के नाम पे सदका कर दूंगा, अल्लाह के लिए सदका कर दूंगा, कर दिया मैंने सब। अब तौबा करके घर जा रहे, वो बच्चे अभी भी खेल रहे थे, वो बच्चे अभी भी खेल रहे थे, जैसे हबीब को देखा, कहा हटो हटो, हबीब अल्लाह का महबूब बनकर आ रहा है, हबीब अल्लाह का हबीब बनकर आ रहा है। वो दौर मीडिया का दौर तो था नहीं, हबीब ने आसमान की तरफ देखे, कहा अल्लाह तो कितना प्यार करता है बंदे से, मैंने कितने गुनाह किए कि लोग नफरत करने लगे, और मैंने तौबा क्या कर ली, बच्चे बच्चे के दिल में तूने मेरी मोहब्बत पैदा कर दी। फिर हबीब ने कहा अब जिंदगी भर परहेजगारी में, तकवा में, मुत्तकी बन के गुजार दूंगा। फिर इमाम हसन बसरी के मुरीद हुए, फिर खलीफा हुए, इतने मुत्तकी हुए कि उसी हबीब को दुनिया ने हजरते हबीब अजमी के नाम से जाना। और ये हबीब अजमी कौन है? गौस पाक के पीर के पीर के पीर के पीर के भी पीर है, गरीब नवाज के पीर के पीर के पीर के भी पीर है, यानी पीराने पीर के भी पीरों में बन गए सच्ची तौबा की बरकत से। फिर पता है क्या मकाम उनको मिला, क्या मर्तबा उनको मिला सच्ची तौबा की बरकत से। फिर वो बड़े नेक हो गए, अब नमाज भी पढ़ाते थे। एक दिन नमाज पढ़ा रहे थे, उनके पीरो मुर्शिद जिनके हाथ पे हबीब ने तौबा की थी, इमाम हसन बसरी उनसे मिलने आए, रास्ते में लेट हो गए, अजान हो गई, हबीब अजमी ने नमाज शुरू कर दी। अब इमाम हसन बसरी कितने बड़े बुजुर्ग, उन्होंने तौबा कराई। मौला अली फरमाते थे जब हसन बसरी हो तो कोई तकरीर नहीं कर सकता, हसन बसरी का आके तकरीर करना। ये मौलाए कायनात के खुलफा मशहूर तीन है, एक इमाम हसन, एक इमाम हुसैन और एक इमाम हसन बसरी। सोचो जिसे मौला अली खिलाफत दे कैसी हस्ती होगी। अब आए हबीब अजमी नमाज पढ़ा रहे, हसन बसरी ने सोचा मेरे हाथ पे तौबा की, तौबा तो मैं पहले कैसा था मेरे हाथ, मैं इसके पीछे क्यों नमाज पढ़ूं, इसकी शान तो मेरे बराबर नहीं है, इसका मर्तबा तो मेरे बराबर नहीं है। नमाज नहीं पढ़ी, खत्म होगी नमाज, फिर अपनी नमाज शुरू की। उस रात घर गए तो ख्वाब में अल्लाह का दीदार किया, ख्वाब में अल्लाह को देखा। कोई बंदा ख्वाब में अल्लाह को देख सकता है, दुनिया में आंख से नहीं देख सकता लेकिन ख्वाब में, लेकिन हमारे जैसों को अल्लाह क्या नजर आएगा ख्वाब में? बहुत बड़े मर्तबे वाले लोग होते उनको अल्लाह नजर आता है ख्वाब में। तो ख्वाब में अल्लाह को देखा, अल्लाह से अर्ज की अल्लाह मेरी एक ख्वाहिश है पूरी कर दे। अल्लाह ने फरमाया क्या? कहा मैंने जिंदगी में जितनी इबादत की है मेरी सब इबादत कबूल कर ले, मैंने जितनी इबादत की सब कबूल कर ले। अल्लाह की रहमत ने मुस्कुराया और अल्लाह ने फरमाया हसन मैंने तुम्हें मौका तो दिया था, कि तेरी पूरी जिंदगी की इबादत कबूल हो जाए, मगर तूने उससे फायदा नहीं उठाया, तूने उस मौके से मैंने मौका दिया था तूने फायदा नहीं उठाया। इमाम हसन बसरी ने कहा मौला तूने कब मौका दिया था और मैंने फायदा नहीं उठाया? कहा आज ही तो मगरिब में तुझे मौका दिया था, अगर हबीब अजमी के पीछे नमाज पढ़ लेता तो तेरी सारी जिंदगी की इबादतों को वो मकाम मिल जाता जो तू चाहता है। सोचो पहले की जिंदगी कहां और सच्ची तौबा के बाद की जिंदगी कहां। इमाम हसन बसरी जैसे कहा जा रहा है कि तुम उनके पीछे एक नमाज पढ़ते तो तुम जो चाह रहे थे वो मुराद को पहुंच जाते, ये सच्ची तौबा की बरकत है। आओ बहुत गुनाह हो गए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आप कब तक जिएंगे, मैं कब तक जीऊँगा नहीं पता है। सच्ची तौबा करके अपने अल्लाह को मना लो। अल्लाह ताला आज की ये रात बहुत मुबारक रात है, अल्लाह किसी की बात रद्द नहीं करता। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह सबसे पहले मुझ गुनहगार की, मेरे माँ बाप की और आप सब की मगफिरत फरमाएँ। आइए अब सबका वजू भी हो चुका है और अब हम सलातुत तस्बीह के लिए खड़े हो जाएँ, तैयार।